भैया जी, हमारे पिछले कुछ वीडियो पर आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बताइए काला नमक कैसे बनता है। हमें भी लगा हमने इतनी सारी चीजों पर मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस बना दी है और आपने किक फैट को सब्सक्राइब किया है, तो काला नमक कैसे बनता है इसकी जानकारी हमारे सब्सक्राइबर्स को तो होनी ही चाहिए। और शायद आज काला नमक बनाने की प्रोसेस देखने के बाद आपको आश्चर्य होने वाला है। और इसको लेकर बहुत गलत धारणा भी है कि काला नमक एक खनिज है, यानी वह खदान से निकलता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि काला नमक कोई पहाड़ पर पाए जाने वाला चट्टान है जिसको तोड़कर पाउडर बनाकर हमें काला नमक बेचा जाता है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो काला नमक पहाड़ पर मिलता है और ना ही काला नमक समुद्र से निकाला जाता है, तो वह आता कहाँ से है? काला नमक कोई प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। इस नमक को बनाया जाता है एक मैन मेड प्रोसेस के द्वारा। तो चलिए जानते हैं काला नमक को शुरुआत से अंत तक कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले एक मटका बनाया जाता है, लेकिन यह कोई सामान्य मटका नहीं होता। इसमें बालू और मिट्टी को सामान्य मात्रा में मिलाकर इस मटके को तैयार किया जाता है। यह मटका विशेष रूप से काला नमक बनाने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन इस मटके को पानी पीने और सामान्य कामों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। मटके को एक सही प्रकार में पीटा जाता है ताकि जो मटका हमें चाहिए उसी प्रकार का मटका हमें मिले। मटके को तैयार करने के बाद इसे आग के भट्टी में डाल दिया जाता है, जहां पर यह पककर अच्छी तरह से ठोस हो जाता है। पूरी तरह से ठोस हो जाने के बाद इस मटके को अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब इसके बाद मटके में खड़ा नमक डाल दिया जाता है। इस नमक को क्रिस्टल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। इसके लिए सादे नमक पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बड़े बड़े आकार के खड़े नमक का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इसमें नमक डाल दिया जाए तो उसके बाद इसमें एक तरह का पाउडर डाला जाता है जो यह लोग खुद ही बनाते हैं। दोस्तों, यही पाउडर साधारण से सादे नमक को काला नमक में बदल देता है। इस पाउडर को बनाने के लिए छोटी हरड, बड़ी हरड, आंवला और बबूल की छाल को पीसकर एक पाउडर बनाया जाता है। दोस्तों, इसीलिए काला नमक पाचन में काम आता है और इसी पाउडर के कारण एक साधारण सा सादा नमक काला नमक में बदल जाता है। दोस्तों, अगर 20 किलो काला नमक बनाना होता है तो उसमें 1 किलो इस पाउडर को मिक्स किया जाता है। अब उस मटके में खड़ा नमक को डाल दिया जाता है और पाउडर डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से ढककर भट्टी में डाल दिया जाता है। एक बार इसे भट्टी में डाल दें तो सीधा 12 घंटे के बाद ही इसे निकाला जाता है। 12 घंटे भट्टी में तपने के बाद यह मटका पूरी तरह से ठोस हो जाता है और उसके अंदर का नमक और मसाला एक दूसरे से मिलकर बन जाता है काला नमक। दोस्तों, 12 घंटे तक पकने के बाद इस नमक को 12 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद इस काले नमक को मटके से निकाल दिया जाता है, लेकिन काले नमक को निकालना इतना आसान नहीं होता क्योंकि अब यह पूरी तरीके से ठोस हो चुका है और अभी यह किसी पत्थर से कमजोर नहीं है। एक बार इसमें से काला नमक निकल जाए तो इस मटके का कोई भी इस्तेमाल नहीं रहता, इसीलिए इसको फेंक दिया जाता है। और अंत में हमारे पास बचता है गोलाकार काला नमक जो कि पूरी तरह से फैक्ट्री लेवल पर बनाया जाता है। दोस्तों, अब इस काले नमक के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाता है, जिसके बाद इसे पैकेजिंग करके आप तक पहुँचाया जाता है। दोस्तों, अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि काला नमक कैसे बनता है और यह भी कि काला नमक खदान से नहीं बल्कि खड़े नमक से ही बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर अंकुश कुमार ने इस टॉपिक को सजेस्ट किया था और आप चाहें तो अपनी पसंदीदा टॉपिक को भी हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही अच्छे अच्छी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।